दो बार लगा लो और खा लो। हाथ दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गठिया का दर्द, साइटिका पेन या दबी हुई नस का दर्द हो, सब हो जाएगा बिल्कुल जड़ से खत्म। 100 साल का आदमी भी दौड़ने लगेगा। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों इस नुस्खे का प्रयोग करके आप अपने शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द का घर पर ही इलाज कर सकते हैं और अपने दर्द से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी नुस्खा दर्द के लिए, यदि हम कोई भी नुस्खा प्रयोग करते हैं तो वो तब ही कंप्लीट होता है जब लगाने के लिए भी हो और खाने के लिए भी, यानी हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत करे, मांसपेशियों को मजबूत करे और लगाने के लिए बाहर से दर्द का निवारण भी करे। यानी नुस्खा तब ही कंप्लीट होगा जब आप लगाने के लिए भी नुस्खे का प्रयोग करेंगे और खाने के लिए भी नुस्खे का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट नुस्खा बताऊंगा, एक नुस्खा खाने के लिए और एक नुस्खा लगाने के लिए। और दोस्तों वैसे भी आपने देखा होगा कि आपके घर में भी कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार के दर्द से परेशान व्यक्ति जरूर होगा। दोस्तों आप उस व्यक्ति पर इस नुस्खे को आजमा कर देखिए और पहली ही खुराक से, पहली ही बार लगाने से ही आपको इस नुस्खे का असर दिखाई देगा। और किसी भी प्रकार का दर्द हो, हाथ का दर्द हो, पैर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, गठिया का दर्द हो, साइटिका का दर्द हो या दबी हुई नस का दर्द हो, दोस्तों सभी प्रकार का दर्द छू मंतर की तरह गायब हो जाएगा एक बार लगाने और खाने से ही। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बताते हैं इस नुस्खे के बारे में। सबसे पहले लगाने वाला नुस्खा। दोस्तों इस नुस्खे के लिए जो आपको चाहिए, 10 से 12 लहसुन की कलियां, सरसों का तेल या तिल का तेल, अजवाइन और जायफल, आपको ये 4 चीजें चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि आपने इनसे तेल बनाना कैसे है। दोस्तों आपने क्या करना है, किसी फ्राई पैन में सरसों या तिल का तेल डालकर उसको आग पर रख दीजिए। अब उसमें लहसुन की कलियों को छीलकर डाल दीजिए, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा जायफल आप उसके अंदर डाल दीजिए। और दोस्तों इसको आपने तब तक पकाना है जब तक ये सारी चीजें हल्की भूरे रंग की ना हो जाए। और जब यह लहसुन, अजवाइन, जायफल हल्के भूरे रंग की हो जाए तब आप इस तेल को किसी बर्तन में डालकर या किसी कांच के बाउल में डालकर रख लीजिए। और दोस्तों ये हो गया आपका लगाने वाला नुस्खा। दोस्तों जब भी आपको दर्द हो तब आपने इस तेल की हल्के सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है जहां पर भी आपको दर्द हो, किसी भी जोड़ घुटनों के दर्द में, कहीं पर भी आपको दर्द हो आपने इस तेल की मसाज करनी है। और जैसे ही आप इस तेल की मसाज करेंगे तो दोस्तों आपका दर्द छू मंतर की तरह गायब हो जाएगा और इसका असर आपको पहली ही बार से दिखाई देगा। अभी आप जिस भी मेरे भाई को दर्द है वो इस नुस्खे को अभी बनाए और लगाए और फिर चमत्कार देखे। अब जानते हैं खाने वाले नुस्खे के बारे में जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, दोस्तों आपकी मांसपेशियों को मजबूत करेगा, जिससे कि आपका शरीर अंदर से भी दर्द से लड़ेगा और बाहर से भी दर्द से लड़ेगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो आपको आवश्यक सामग्री चाहिए, दोस्तों वो चाहिए हल्दी 100 ग्राम, मेथी दाना 100 ग्राम तथा सौंठ 100 ग्राम। आपको ये 3 सामग्री लेनी है और दोस्तों 3 को आपने पीस कर ग्राइंड करके इनका चूर्ण बना लेना है, इनका चूर्ण कर लेना है। अब जानते हैं इसके सेवन की विधि। दोस्तों आपको इस चूर्ण का सेवन दिन में 2 बार करना है, 1 चम्मच नाश्ते के बाद और दूसरा 1 चम्मच शाम के खाने के बाद, यानी कि रात के खाने के बाद, और ये आपने गुनगुने पानी के साथ लेना है। दोस्तों इसके सेवन से भी चाहे आपके जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, कमर का दर्द, साइटी का दर्द कितना भी पुराने से पुराना हो वो भी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों आपके पास लगाने वाला नुस्खा भी आ गया और खाने वाले नुस्खा भी आ गया। दोस्तों आप इन दोनों नुस्खों का प्रयोग कीजिए और आपका किसी भी प्रकार का दर्द हो उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए। और दोस्तों इस नुस्खे को खाने से आपके शरीर की हड्डियां मजबूत होंगी, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, मांसपेशियों की ऐंठन दूर हो जाएगी, मांसपेशियां आपकी मजबूत हो जाएंगी, हड्डियां वज्र के समान मजबूत हो जाएंगी। दोस्तों 100 साल का व्यक्ति, 90 से 100 साल का व्यक्ति होगा दोस्तों, वो भी दौड़ने लगे
लगेगा, जो पहले चल फिर भी नहीं सकता था इन दोनों नुस्खों के लगाने से। यदि उसको दर्द के कारण वो चल फिर भी नहीं सकता था तो वो भी दौड़ने लगेगा। इतनी चमत्कारी है इन नुस्खों का प्रयोग। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी आज से ही इस नुस्खे का सेवन और इस नुस्खे को लगाना शुरू कर दीजिए और सभी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाइए। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।